गोंदिया भंडारा। महाराष्ट्र लोकसभा उपचुनाव 2018, क्या होंगे गोंदिया भंडारा में चुनावी समीकरण? क्या चार साल बाद भी चलेगी पीएम मोदी की लहर? या गोंदिया भंडारा में चलेगी घड़ी? क्या खिलेगा कमल? इस उपचुनाव के रण संग्राम में कौन मारेगा बाजी और कौन होगा गोंदिया भंडारा संसदीय क्षेत्र का बाजीगर? आइए देखते हैं INN24 न्यूज पर चुनावी महादंगल सलीम रहमान के साथ। नमस्कार, मैं सलीम रहमान। महाराष्ट्र गोंदिया भंडारा उप लोकसभा चुनाव INN24 न्यूज़ चुनावी महादंगल में आपका स्वागत है। आज मेरे साथ बात करने के लिए APL यानी ऑल इंडिया पार्टी अंबेडकर पार्टी से डॉक्टर चंद्रमणि मेरे साथ मौजूद है। डॉक्टर जी, INN24 न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। क्या कहेंगे जिस तरीके से गोंदिया भंडारा उपचुनाव चालू है यहाँ पे उप लोकसभा, क्या वजह है जो केंद्र सरकार में जाने के बाद, BJP सरकार में जाने के बाद, उसके बाद भी लोग इस्तीफा देते हैं, चलती नाव से कूदते हैं और फिर से इलेक्शन होते हैं और फिर उसी पार्टी को गाली देते हैं? उसकी तर्ज में उसको जवाब देने के लिए आज आपको मौका मिला है। क्या मैनोफेस्टो है आपका, क्या पब्लिक से अट्रैक्ट होने के लिए क्या आपके सवाल जवाब रहेंगे जो जनता आपको पसंद करेगी? हमारे जो API जो पार्टी है, ये संवैधानिक लोकतांत्रिक क्रांतिकारी पार्टी है जिसका एक अंबेडकरिज्म जो पॉलिसी है वो हम उसी के आधार पे लोगों की जो विकास है वो हम करना चाहते हैं। नहीं, लेकिन जैसा आज संवैधानिक बात का आप कर रहे हैं, क्रांतिकारी का आप बात कर रहे हैं, आज ऐसा लग रहा है आपको कि इस देश के अंदर कोई क्रांतिकारी बचे हों, संविधान को बचाने वाले हों? दिन रात आज देख रहे हैं आप टेलीविज़न की, जो मैं बात कर रहा हूँ, जो 24 घंटे आज हम देखते हैं संविधान की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, उसको रोकने के लिए आज आप जैसे लोग आगे आ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप जैसे वो लोगों की भी बात को दबा दिया जाता है। हम यही समझाना चाहते हैं, हम हमारे अम्बेडकराइट पॉलिटिक्स के जरिए हम यही समझाना चाहते हैं लोगों को कि अगर लोगों का सही विकास करना है, लोगों की गरिमा और विकास के लिए अगर कोई पार्टी है और कुछ उनका उद्धार करना है तो अम्बेडकराइट पार्टी या वो अम्बेडकराइट के विचारधारा के सिवा दूसरा विचारधारा आपको इस देश में क्या, पूरे विश्व में ऐसी कोई विचारधारा नहीं है कि जो इस को सक्सेस कर सके। और ये पार्टी की सबसे बड़ी विचारधारा है वो है पॉलिसी ऑफ अम्बेडकरिज्म जो हमारे API ने एक्सेप्ट किया है। लोग चुनाव जीतने के बाद में पॉलिसी को एडाप्ट करते हैं, हमने चुनाव के पहले ही एक पॉलिसी तैयार की है और वो पॉलिसी के जरिए हम लोगों को पहुंच के लोगों का विकास करना चाहते हैं। देखिए, लोकसभा गोंदिया भंडारा की हम बात कर रहे हैं, पूरे तहसील इतने हैं, आप दिन रात सर्वे कर रहे हैं, आप प्रचार पे लगे हुए, क्या मोटो है आपका, आपका मैनिफेस्टो पे आप क्या पॉइंट लेके आप चल रहे हैं कि जो जनता उम्मीदवार को अपना दिल जीते या उनको दिल जीते, किस पॉलिसी पे वो आपको चुनेंगे, कैसे वोट देंगे? हम विकास की पॉलिटिक्स के ऊपर बात कर रहे हैं क्योंकि लोग जो आज परेशान है वो बेरोजगार है, लोगों की जो परेशानी है सबसे बड़ी परेशानी है बेरोजगारी। लोगों को शिक्षा हो गया उनका या अन्य कुछ शेतकरी कामगार लोग हैं वो भी काफ़ी परेशान है इससे। तो जनरली अगर हमें सबसे पहला अगर हमारा मुद्दा होगा तो लोगों की समस्या जो है, जो लोग आज लोगों के पास में लोग बिल्कुल भ्रष्टाचार है, जगह जगह भूखमरी है,
इस वजह से लोग काफ़ी परेशान, और महंगाई महंगाई से तो काफ़ी परेशानी है। तो ये सब अगर हमें कुछ करना है तो हमें सबसे पहले जो है वो हमारी जो आइडियालॉजी है, वो आइडियालॉजी को हमें लोगों को बताना है, और वो आइडियालॉजी के सिवा हम लोगों का विकास नहीं कर सकते। देखिए, जैसे आज की बात करें, जैसे संविधान की आप बात कर रहे हैं, रिसेंटली कर्नाटक की अगर मैं बात करूं तो एक मोदी है और 11 विरोधी हैं। एक मोदी को रोकने के लिए 11 विरोधी युक्त हो जाते हैं, लेकिन वक्त आने पे वो 11 विरोधी भी बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की बात जो करते हैं उसकी भी धज्जी उड़ाते हैं। कैसे है, बात करना और इम्प्लीमेंट करना एक बहुत बड़ा फर्क है। जनरली अगर अभी तक सही मायने में संविधान का इम्प्लीमेंट हुआ रहता तो ना इस देश की ऐसी दशा रही रही थी और ना दिशा रही रही थी। हमारा संविधान बहुत अच्छा है ये सभी मानते हैं, लेकिन हमारी दशा इतनी बुरी क्यों है, तो हम उसको सही तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे। देखिए, बुरी से मैं एक बात सवाल डालना चाहूँगा। जिस तरीके से आपने बुरा कहा, आज बाबा साहब की विचारधारा को लेके इतनी पार्टियाँ हो गई हैं दलित के में, इतना फूट हो गया है, अगर आप बढ़ते हैं तो दूसरा आपको पीछे खींचेगा, तीसरा कोई बढ़ता है तो और उसको कोई पीछे खींचेगा, ये क्यों? अगर एक हो जाए पूरा बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले, तो क्या आपको लगता है कि जितनी जो दूसरी ताकतें हैं रोकने के लिए वो रोक पाएंगी अगर एक हो गए तो? इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर किसी को अगर बाबा साहब को एक्सेप्ट ही करना है तो कंप्लीट अम्बेडकरिज्म किससे एक्सेप्ट करना चाहिए। कोई किसी पैर को अम्बेडकर समझता है, कोई हाथ को अम्बेडकर समझता है, कोई उंगली को अम्बेडकर समझता है। हमें तो कंप्लीट अम्बेडकर चाहिए, कंप्लीट अम्बेडकरिज्म, और कंप्लीट अम्बेडकरिज्म ही दुनिया का विकास कर सकता है। दुनिया की जो ये है यानी परेशानी है उसका अगर कोई हल है वो अम्बेडकर जी में ही हल है। लेकिन क्या मैसेज देना चाहेंगे उसके लिए, क्या मैसेज देना चाहेंगे? कंप्लीट अम्बेडकर की बात कर रहे हैं, कैसे कंप्लीट होगा, कैसे एक मैसेज हो जो पूरे दलितों को, बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा मानने वालों को पहुंचे? तो इसके लिए मैं ये विचारधारा आप यानी विचार देना चाहूँगा कि हमारे जो धीमान विजय जी मानकर है, उन्होंने जो अपने स्टडी से जो करके बाबा साहब की पूरी स्टडी करके उन्होंने जो पॉलिसी ऑफ अम्बेडकरिज्म जो किताब ये की है, तो उसी के जरिए हम यानी लोगों को संदेश देना चाहते कि अगर कि यहाँ देश में अगर विकास ही करना है तो कम उसके सिवा विचार विकास नहीं हो सकता। चलिए फिर से हम गोंदिया भंडारा पे आते हैं बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधाराओं के बाद में। क्या लगता है आपको इस चुनावी रणनीति पे 28 तारीख को वोटिंग होना है, 31 तारीख को रिजल्ट आनी है, और हर कोई अपने आगे बिल्कुल सीना तान के खड़ा हुआ है, मेरी गाड़ी सबसे ऊँची, मेरा झंडा सबसे ऊँचा, क्या पॉलिसी लगती है, क्या ऐसा कि जनता को, जनता के दिल जीतने के लिए ऐसा क्या काम किया है आपने, कि और क्या लगता है कि कहीं ना कहीं आप राष्ट्रवादी और भाजपा के बीच में हैं? हमारे साहब ने अभी तक के अपने संवैधानिक मार्ग से पार्लियामेंट में बिल पेश की है, और यानी उससे जो लोगों का जो उड़ीसा वगैरह है, आज 18 राज्य में हमारी पार्टी काम कर रही है। उड़ीसा में लोगों को जो बेघर है उनको लैंडलेस होमलेस टू होमलेस वो काम किया है। छत्तीसगढ़ में लोगों को जो स्कॉलरशिप नहीं मिलती तो वो स्कॉलरशिप दिया है, वो भी 9% बैच के हिसाब से दिया है। बेघरों के लिए काम किया है, जिसको स्कॉलरशिप नहीं मिलती थी वो उनको स्कॉलरशिप दी जाती है। लेकिन ऐसा क्यों जो बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधाराओं पर कहीं ना कहीं लगातार इस देश में और दिशा पे जो अलग अलग भटक रहे, उसका रीज़न क्या है? देखिए सर, INN24 के मैं ऑलरेडी वेलकम करता हूँ अम्बेडकर एट पार्टी ऑफ इंडिया की ओर से, और हम भंडारा गोंदिया लोकसभा उपचुनाव के लिए यहाँ पे भंडारा में हैं। अम्बेडकर एट पार्टी ऑफ इंडिया की पूरी सोच ही ऐसी बनी है कि कंप्लीट अम्बेडकरिज्म को हम बिल्कुल बरकरार रखें। बाबा साहब का कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, साथ ही साथ इंटरनेशनल बिल ऑफ ह्यूमन राइट्स, उसी के साथ हम कुछ ऐसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी जो इफर्ट किए थे कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की जो सोच रख रहे हैं, हम कॉन्स्टिट्यूशन बचाने की नहीं है, सेव द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं कर रहे हैं, हम द एक्सपेंशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन इज द प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशन। ह्यूमन राइट को लाकर, ह्यूमन राइट इंटरनेशनल बिल ऑफ द ह्यूमन राइट्स को लाकर हम चेंज ऑफ द इंडिया की पूरी सोसाइटी को यानी डेमोक्रेटिक ऑफ द इंडियन पीपल्स को हम पूरा चेंज करने की यह प्रयास प्रयासरत रहे।
हम अभी किमान पांचवें वर्ष में हम अंबेडकर राइट पार्टी ऑफ इंडिया में पदार्पण हो चुकी है और 5 साल के अंदर में पैन इंडिया मूवमेंट अंबेडकर राइट पार्टी ऑफ इंडिया और पैन इंडिया ऑर्गेनाइजेशन बड़ा 18 स्टेट में एक्सपांशन हुआ है। जैसा भंडारे का अभी उपचुनाव चल रहा है वैसा हम केरला में भी यहाँ हम विधानसभा की जो लेजिस्लेशन की है वहाँ पे भी खड़े किए थे। लास्ट समय कर्नाटक में भी हम 5 APA की ओर से हम कॉन्स्टिट्यूशन में खड़े कर लिए थे। इसका मतलब ये नहीं है कि हम कंप्लीट अंबेडकरिज्म को जब समझते हैं तो उसमें अंबेडकरिज्म के कॉन्स्टिट्यूशन मेथड डेमोक्रेटिकल मेथड्स ह्यूमन राइट्स के तहत तक न्यू एज ऑफ द मेथड्स इसको हम इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं और कॉन्स्टिट्यूशन को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के तहत और ह्यूमन राइट के तहत इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कम से कम 2016 से लेकर अभी तक 10 बिल हमने भेजे कि जो इलेक्ट्रोल चेंज होना चाहिए इलेक्ट्रोल सिस्टम एंड आउटकम उसका आना चाहिए क्योंकि हमने जो बोला है कि ईवीएम के साथ वीवीपैट होना चाहिए। वीवीपैट का मेरा सवाल वो नहीं है, जैसा आप ईवीएम और इंडिया को बनाने की बात कर रहे हैं, आप पार्टी की बात कर रहे हैं, केरला में आपने पार्टी उतारा, उड़ीसा में अपने, मेरा सीधा सवाल आपसे ये था कि बाबा साहब अम्बेडकर के विचारधारा की बात तो करते हैं लेकिन इन्हीं विचारधारा की बात करने वाले इतने सारे विभागन और इतने सारे टुकड़े क्यों हो गए? अगर एक होकर लड़े तो क्या वाकई पे बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा को कोई तोड़ पाएगा? मेरा सवाल ये, आपने जो सवाल पूछा है कि बाबा साहब का डिमाइस होने के बाद 1956 के बाद जो भी आंदोलन बाबा साहब का इंटेलेक्चुअल लेवल पे चलना चाहिए था क्योंकि बाबा साहब वॉज द जायंट इंटेलेक्चुअल ऑफ द वर्ल्ड, बाबा साहब वॉज द फर्स्ट इकोनॉमिक्स इन द वर्ल्ड, सो बाबा साहब वॉज द ऑलवेज ही वॉज द मास्टर इन द मेनी सब्जेक्ट्स, सो ये तो दुनिया मान रही है बाबा साहब को थॉट्स को, बाबा साहब के इंटेलेक्चुअल को। लेकिन हमारे जो लीडर रहे सो कॉल्ड द लीडर इन द पास्ट पॉलिटिकल सीनेरियो ना तो उनकी प्रॉपर पढ़ाई रही है, ना तो बाबा साहब का जो मैसेज था राइटिंग एंड स्पीचेस में वो प्रॉपर कन्वे कर पाए, ना तो खुद को रियलाइज कर पाए। और इसीलिए ये जो हम बाबा साहब को, मैं अपने इससे इंटरप्रेट कर रहा हूँ व्हाट द बाबा साहब इज रियली सेड्स, वो बाबा साहब क्या कहना था और उनका मकसद क्या था और उनका मोटो क्या था इन बिटवीन द लाइन्स वेयर एज ही वॉज द रिटन इन द राइटिंग एंड स्पीचेस, लोग नहीं समझ पाने की वजह से। और सर मैं हॉनेस्टली ये बोल रहा हूँ कि मेरा सेल्फ इंटरेस्ट है, मुझे पोस्ट एंड पर्स की कुछ खुशियाँ है, इसलिए मैं कहीं भी समाज का वोटिंग लेकर मैं कहीं भी जम कर लेता हूँ। ये भी एक हमारे समाज के लिए बहुत ही एक यानी अननेचुरल एक फिलोसफी रही है जिसके वजह से सोसाइटी के ऊपर पूरा का पूरा इफेक्ट आया। हम नौजवान की बात करते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, जिनके पास बेघर है वो उनकी बात करते हैं, जिनके पास आज भी हेल्थ है नहीं है, एजुकेशन नहीं है, चारों तरफ से ये पूरा सोसाइटी मरमरा रहा है। और चारों तरफ से जब मरमराता रहता है तो उनको उनका राइट्स के साथ साथ उनके ड्यूटीज का कॉन्स्टिट्यूशन में क्या हमें राइट्स दिया है, कॉन्स्टिट्यूशन के राइट के साथ साथ हमारे ऑफिसर्स लोगों की, ब्यूरोक्रेट लोगों की या गवर्नेंस जो कर रहे हैं सेंट्रल से लेकर स्टेट तक, तो एज अ इंडियन सिटीजन ऑफ द इंडियन के तहत हम उनको उठा रहे सर। तो उनके राइट्स की आप बात करो, उनके राइट्स के लिए जिस तरीके से मैं बात करूं लोकसभा उपचुनाव के लिए गोंदिया भंडारा के, तो उनके राइट्स के लिए आप क्या हित कर रहे हैं सामने सर? क्या बातें सामने ला रहे हैं, क्या मैनोफेस्टो में आपकी पार्टी द्वारा सामने रखा जा रहा है जिसके लिए जनता आपको चुने? सर हम तो नई कंसेप्ट डाले, ना तो हमारा मैनिफेस्टो है पार्टी का, ना तो हमारा रिप्रेजेंटेशन है, ना तो डिमांड है, हम तो इसे पॉलिसी मैटर कहते हैं। ये हमारा जो पॉलिसी मैटर्स है, ये पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स है, पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स से पूरा इन्वाइट किया है कि हमारा हेल्थ पॉलिसी कैसी होना चाहिए, फॉरेन पॉलिसी कैसी होना चाहिए, एजुकेशन पॉलिसी कैसी होना चाहिए, फिनांस पॉलिसी कैसी होना चाहिए, बाबा साहब के राइटिंग एंड स्पीचेस को आधार बनाकर वर्ल्ड लेवल की पॉलिसी जो अभी प्रेजेंट सिनेरियो में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल डिक्लेयर बाय द यूनो जो 2015 को 2030 तक जो 15 साल के अंदर में डेवलप इंडिया होना चाहिए उसी पॉलिसी को लेकर हम समाज में जा रहे हैं। प्रॉपर भंडारा गोंदिया जिला के जो प्रॉब्लम्स है, भंडारे जिले के गोंदिया के प्रॉब्लम इंडस्ट्रियल प्रॉब्लम है, एग्रीकल्चर प्रॉब्लम है क्योंकि यहाँ पे बड़ा डैम बना है गोसेखुर्द, जो भी गोसेखुर्द भंडारे के एरिया में बना है, लैंड हमारे एक्विजिशन भंडारे लोगों के लिए है लेकिन उसका बेनिफिट ऑफ द कल्टिवेशन ऑफ द सॉइल्स कल्टिवेशन ऑफ द एग्रीकल्चर या वो सिंचाई की जो काम है वो सब बाहर जिले में जा रहे हैं। हमारे लोगों का रिहेबिलिटेशन किया है, रीसेटलमेंट किया है लेकिन दोनों के भी जो जो चाहिए था, जो वेजेस ऑफ द कॉमन पीपल्स होना चाहिए था वो नहीं होने के वजह से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा है सर। उसके बाद लोगों की जो सोच बनी है, आज भी बहुत सारे हमारे जो यानी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री यहाँ भंडारे में हुआ करती थी वो सब बंद पड़े हुए हैं। यहाँ का सोशियो कल्चरल सोशियो इकोनॉमिकल पॉलिटिक्स जो है बहुत ही
अलग किस्म से है, इसलिए हम अंबेडकरेट पार्टी ऑफ इंडिया को ना तो किसी को हम छोटा मानते हैं ना तो किसी को बड़ा मानते हैं। हम मानवता की बात करने आए और मानवता के प्रति सजग रहकर हमारा भारतीय संविधान के तहत और इंटरनेशनल बिल ऑफ ह्यूमन राइट्स के तहत और इसी के तहत ही नहीं तो न्यू चैलेंजेस क्या है, ये चैलेंजेस हम लोगों को बताकर हम अपने ये कॉन्स्टिट्यूशन में जा रहे लोग अपील कर रहे हैं। और हमारे जो नेतृत्व है, जो अंबेडकर राइट पार्टी ऑफ इंडिया के जो नेशनल प्रेसिडेंट है, हाईली एजुकेटेड है, वर्ल्ड दुनिया मान रही है उनको और दुनिया में नैतिक और बौद्धिक ऐसी उनकी विचारधारा होने के साथ साथ कुछ नए कंसेप्ट लाए हैं जो आने वाले जनरेशन के लिए विद इन द 5 ईयर्स में, विद इन द 10 ईयर्स में ये पूरा जो रहेगा ये कंप्लीट अंबेडकरिज्म के दायरे के अंदर में हम उत्थान और उन्नत ऐसा ये देश और दुनिया के महानतम ऐसे भारत देश में हम लाना चाहते हैं, भारत देश में बिल्कुल लाना चाहते हैं। लेकिन जिस तरीके से डॉक्टर साहब अभी बात हुई कि भंडारा और गोंदिया पे जितने भी फैक्ट्रीज थी और जितने भी पानी सिंचाई विभाग केंद्र थे सारे बंद हो चुके, क्या वाकई में पार्टी आने के बाद इन चीज़ों के लिए जनता के काम के लिए आप अपनी पार्टी द्वारा सामने हित में आएंगे? हम ये जितने भी जो इंडस्ट्रीज है तो ये हमारे पास में जैसे इंडस्ट्रियल जो पॉलिसीज है, लेबर पॉलिसीज है, उसको उनको अप्लाई करके हम उनका विकास करेंगे। एक्चुअली कैसे वहाँ जाने के बाद में ये जो अभी सरकार है वो कुछ काम नहीं कर रहे। वैसे जैसे अभी भेल कंपनीज इन्होंने लाए 4000 करोड़ का उनको ये हुआ, वो सब बंद पड़ी हुई है। यानी मान के चलो कि हमारे जिले के काश्तकार लोग हैं या यहाँ के जो लेबर लोग हैं सब उनका नुकसान हो गया। तो जनरली क्या है कि ये अपने स्वार्थ के लिए काम कर रहे हैं। एक्चुअली 4000 करोड़ की जो कंपनियां लागत लगा के खुली हुई हैं आज वो भी बंद है और इंसान रोजगार से बेरोजगार बन चुका है। और सबसे महत्वपूर्ण जो सरकार पे आज कहा गया कि एक अपना अंदर अपनी जागरूकता के लिए अपने हित के लिए जो फैक्ट्रियाँ तो बना रहे हैं लेकिन कहीं ना कहीं उनका पैसा उनका लाभ पूरी सरकार पर चला रहे हैं। अब देखना ये होगा आने वाले समय पे 28 तारीख को वोटिंग है और 31 तारीख को रिजल्ट है। क्या वाकई पे गोंदिया और भंडारा की जनता भारतीय जनता पार्टी या फिर अदर और पार्टी जिस तरीके से राष्ट्रवादी शरद पवार की पार्टी की अगर बात करें इन सब सारी पार्टियों को ठुकरा करके एपीआई पार्टी को अपना निशान चुनाएंगी या उनको सरताज बिठा देंगी? कैमरामैन राहुल के साथ INN 24 न्यूज़ भंडारा।